कोविड से बचाव के लिए नागपुर शहर में 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहर में 12 से 14 आयु वर्ग के केवल 25,155 बच्चों को अब तक इसका पहला टीका और 647 बच्चों को दूसरा टीका लग सका है। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 85,408 बच्चों को पहला और 62,875 बच्चों को दूसरा टीका लगा है। इसके बीच अब 6 से 11 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाने की घोषणा हुई है। इन बच्चों को कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। ज्ञात हो कि पहली लहर के बाद जिले में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण शुरू हुआ है। सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की गई। इन दोनों टीकों को स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ निजी केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया था। 15 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण पहली बार 3 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। इन किशोरों को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कंपनी बायोलॉजिकल ई कंपनी के कॉर्बेवैक्स का टीका लगाया जा रहा है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।